हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब हम लोग मौज एप्लीकेशन पे MFC मौज फोर के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो हम लोगों को बताया जाता है कि मौज एप्लीकेशन पे हम लोग MFC मौज फोर के प्रोग्राम में सेलेक्ट होकर हर महीने 20,000 से लेकर 40,000 रुपये कमा सकते हैं। पर यहीं पे हमें मौज एप्लीकेशन की तरफ से मेंट मिलता है, जो कि हर हफ्ते मेंट मिलता है। तो आप लोग के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई मौज एप्लीकेशन पे 1K बेच पे हमें कितना मेंट मिलता है, 2K बेच पे कितना मेंट मिलता है, 10K बेच पे कितना मेंट मिलता है, या 1 लाख 1.5 लाख बेच पे कितना मेंट मिलता है। तो यही जो है काफ़ी सालों का कमेंट था, काफ़ी सालों के मन में डाउट था। तो जो भी आप लोग मन में डाउट था कि आखिर मौज एप्लीकेशन पे कितने बेच पे हमें कितना मेंट मिलता है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लैप प्रो पे स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियोस को एक लाइक किया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारे नॉलेज टेस्टी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियोस को स्टार्ट कर लेते हैं सीधे अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे। मोबाइल के स्क्रीन पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन में मौज एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो मौज वीडियो का वॉइस पूरा काम कर देता हूँ, जिससे हमारी आवाज लोगों को क्लियर और साफ नहीं देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि नीचे साइड में देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे एक प्रोफाइल का आइकन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करोगे आप लोग सामने आपका प्रोफाइल ओपन होकर चलेगा। अब चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि आखिर मौज एप्लीकेशन पे हमें कितने बीच पे हमें कितना मिनट मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौज एप्लीकेशन भी नहीं बताता कि आपको कितने मिनट पे कितने व्यूज पे कितने मिनट मिलते हैं, पर हम लोग ये जानते हैं कि आखिर हमारे वीडियोस पे कितने एक हफ्ते के अंदर में कितना व्यूज आता है और उसके काम में कितना मिनट मिलता है। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि ऊपर के साइड में आप लोग को यहाँ पे एक थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग थ्री लाइन वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप सबके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक वैलेट का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग वैलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ये थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और प्रोसेस लेने के बाद मौज एप्लीकेशन का वैलेट ऑप्शन ओपन होकर चलाएगा। अब आप लोग यहाँ पर लैप प्रूफ देख सकते हो, मेरे को जो मौज एप्लीकेशन के तरफ से जो मिनट्स रिसीव हुए हैं 84,428 मिनट्स रिसीव हुए हैं, जिसके अगर पैसे की बात करें तो यहाँ पर देख सो 42,214 रुपये मेरे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पे बात है कि हमें कितने बीच में कितना मिनट मिला है, चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ऊपर के साइड में देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे एक हिस्ट्री का लोगो देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इसी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस पर क्लिक करोगे आप सबके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आप लोग को चीट्स का देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको मिनट्स का देखने को मिलेगा। तो हम लोग मिनट्स के बारे में जानने वाले हैं तो हम लोग मिनट्स पे क्लिक करेंगे। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर मौज फोर के प्रोग्राम की तरफ से हमें कितना मिनट्स रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बीच का देख लेते हैं कि आखिर जो हमारा मिनट्स रिसीव हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरे को मौज एप्लीकेशन के तरफ से जो मिनट मिल प्राप्त हुआ है 21/7/2022 से लेकर हमारे पास जो है मात्र 90 रिसीव हुए हैं। और साथ ही हम लोग अब देख लेते हैं ऊपर वाला, तो यहाँ पर देख दो 28/7/2022 को जो है मेरे को यहाँ पर जो है देख लो कि कितना मिनट रिसीव हुआ है, 158 मिनट मेरे को यहाँ पर रिसीव हुआ है। तो इसके बीच का जो भी मेरा व्यूज आया हुआ है कितना व्यूज आया हुआ है, चलिए उसके बारे में जानेंगे, तभी हम लोग तो पता लगा पाएंगे कि कितने बीच पे हमें कितना मिनट्स रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैक आएंगे और बैक करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को एक क्रिएटर हॉप का एक ऑप्शन नजर आएगा। सिंपल आपको क्रिएटर हॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग क्रिएटर हॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप सबके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप लोग देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे एक इनसाइट का ऑप्शन नजर आएगा। सिंपली आपको इस मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप लोग सामने मौज एप्लीकेशन का इनसाइट पेज जो है ओपन होकर चलाएगा। अब आप लोग देखोगे तो जैसे कि आप लोग ओवरव्यू पे आ गए और यहाँ पर देखोगे तो आप लोगों को जो है 25 जुलाई से लेकर आपको 31 जुलाई तक का डाटा देखने को मिलेगा। सिंपल आपको क्या करना है कि इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सो जैसे लोग इस पर क्लिक करोगे अब आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आपको 28 डे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे लोग कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे अब यहाँ पर देख सकते हो क्लिक आ चुका है 4 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अब यहाँ पर डाटा आ चुका है। अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि हमारे वीडियोस पे कितना व्यू जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे अब आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेना कि हमारे वीडियोस पे कितना ज़्यादा व्यू जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सो कि यहाँ पर 21 तारीख को जो है मेरे वीडियोस पे व्यूज आए हैं पूरे के पूरे 11K। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे तो 22 तारीख को देख सो मेरे को 14,000 व्यूज आए हैं। उसी तरह में हम लोग यहाँ पे आएंगे तो 23 तारीख को मेरे को देख सो 16K यानी कि 16,000 व्यूज आए हैं। उसी तरह में 24 तारीख को देख सो कि 8,000 व्यूज आए हैं। साथ ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो देख सो कि यहाँ पे जो है 24 तारीख के 8,000 और यहाँ पर देखेंगे 25 तारीख को 4,100 व्यूज आए हैं। उसी तरह में हम लोग 26 तारीख को आएंगे तो 22,000 व्यूज आया हुआ है
और यहीं पे अगर हम लोग आ जाते हैं 27 तारीख को तो यहाँ पर देखते हो कि 16,000 व्यूज आए हैं। उसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हो कि 28 तारीख को, तो अब 28 तारीख में आप लोग देखेंगे तो आप लोग को 28 तारीख का जो यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर 28 तारीख को पूरे का पूरा हमारा जो है 18,000 व्यूज आए हैं। अगर हम लोग इसे पूरा का पूरा जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है पूरे के पूरे 146 की हमारा जो है यहाँ पे व्यूज हो जाएगा, यानी कि 146,000 हमारे व्यूज पे व्यूज हो जाएगा पूरे 21 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच का। अब यहाँ पर देखते हो कि मेरे को जो है 1,00,000 यहाँ पे 146,000 व्यूज पे मेरे को जो मिनट्स रिसीव हुआ है वो 154 मिनट्स रिसीव हुआ है। उसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि आपके कितने व्यूज पे कितना मिनट्स पे रिसीव हुआ है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने व्यूज पे कितने मिनट्स हो रहा है और कितना मिनट्स आपको रिसीव हो रहा है। अगर हम लोग इसे जाने तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 948 व्यूज पे मात्र मेरे को 1 मिनट रिसीव हुआ है। तो आप लोग भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने मिनट पे कितना मिनट्स रिसीव हो रहा है। अगर आप लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हो किस तरीके से आपको जोर घटाव करके आपको अपना मिनट्स निकालना है कि आपको कितने व्यूज में कितना मिनट्स मिला है, तो नीचे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर प्रॉपर तरीके जानकारी बताऊंगा। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग 20,000 से 40,000 मोज एप्लीकेशन से कमाना चाहते हो तो आपके वीडियोस पे एक हफ्ते के अंदर में 10 से 20 मिलियन व्यूज आना चाहिए, तब जाके आप लोग यहाँ पे अच्छे खासे इनकम कर सकते हो। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जो बताना कि आपको कितने व्यूज पे कितना मिनट मिला है। मेरे को जो है यहाँ पे 1,00,000 व्यूज पे मेरे को मात्र जो है 150 यानी कि 154 मिनट रिसीव हो रहे हैं। तो फाइनली यार वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप सबको मौज एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी चैनल जो टेस्टी वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए देर न करते वीडियोस कहीं पे समाप्त करते हैं।